नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 6 जुलाई 2019 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक करने के साथ ये ज़रूर बताएं कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया है, जिससे आगे की वीडियो में उस कमी को दूर किया जा सके। तो इस वीडियो की जो PDF है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे उन प्रश्नों के बारे में जिन्हें मैंने आपसे कल के वीडियो में पूछा था। मैंने आपसे पूछा था एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जिसे हम चमकी बुखार के नाम से जानते हैं, इस बुखार से किस राज्यों में 100 से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हो गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। अगला हमारा है, किस खिलाड़ी द्वारा एक मैच में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया गया। तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है इंग्लैंड के कप्तान योन मॉर्गन के द्वारा, और इन्होंने 17 छक्के लगाए थे। तो याद रखिएगा, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच था, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर रोहित शर्मा दे दिया है। तो रोहित शर्मा ने इस वर्ष 4 शतक लगाए हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने कुमार संगकारा के 2015 में किसी एक विश्व कप में लगाए गए सर्वाधिक शतकों की बराबरी की है। और शकीब अल हसन की बात करें तो ये बांग्लादेश के हैं और वर्तमान में ये लीडिंग रन स्कोरर हैं 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के। तो इस सबके बारे में आपको अपडेट रहना है, जिस दिन फाइनल होगा उस दिन हमारी वर्ल्ड कप पर एक अलग से वीडियो आएगी और उसमें हम लोग सारे प्रश्नों को कवर कर लेंगे। अब आज की इस वीडियो का प्रश्न है कि सूर्य और अंतरिक्ष के मौसम के अध्ययन के लिए पंच मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि 21वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि यूरोपीय आयोग की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उर्सुला ओन डर लियन। थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, याद रखिएगा, उर्सुला ओन डर लियन यूरोपीय आयोग की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो ये है आपकी उर्सुला ओन डर लियन और यही हमारी यूरोपीय आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। अब अगर हम लोग इसके बारे में और बात करें तो ये स्थान लेंगी जीन क्लाउडे जंकर का। 2005 से ये एंजेला सरकार में, यानी कि जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मॉर्कल, उनके सरकार में रक्षा मंत्री हैं। यूरोपीय आयोग की अगर हम लोग बात करें तो यूरोपीय यूनियन का नाम आपने सुना होगा, यूरोपीय संघ, उसी के अंतर्गत यह एक संस्था है। स्थापना हुई थी जनवरी 1958 को, मुख्यालय इसका कहाँ पर है, बेल्जियम के ब्रसल्स में, और सदस्य देशों की संख्या 28। इसके अलावा आपको एक नाम और याद रखना है, IMF की जो पूर्व चीफ हैं जिनका नाम है क्रिस्टीन लिगार्डे, ये अब यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष बन गई हैं। और इसके अलावा कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था डेविड लिप्टन के बारे में, जो कि IMF के अंतरिम प्रमुख बनाए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया है उड़ीसा राज्य में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब अगर हम लोग इस यात्रा के बारे में बात करें तो उड़ीसा के पुरी जिले में इसका आयोजन किया गया। यहाँ पर एक रथ पर भगवान जगन्नाथ का उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ में रथ यात्रा निकाली जाती है। पुरी के बारे में आपको याद रखना है कि ये दाया नदी के किनारे स्थित है और हिंदुओं के चारों धामों में से एक है। हिंदुओं के चार धाम कौन से हैं, उत्तराखंड में आपका है बद्रीनाथ, गुजरात में आपका है द्वारका, चेन्नई तमिलनाडु में आपका है रामेश्वरम, और फिर उड़ीसा में है पुरी। तो ये चार धाम हैं हिंदुओं के। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में पहले निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में भारत के पहले निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पोनजान एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर पोनजान एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में स्वर्ण पदक जीता है हीमा दास ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये है हीमा दास, जिन्होंने पोजान एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। अब अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इस एथलेटिक्स ग्रैंड प्री का आयोजन किया गया पोलैंड के शहर पोनजान में। हीमा दास के बारे में बात करें तो ये असम की खिलाड़ी हैं और 200 मीटर की रेस में इन्होंने ये खिताब जीता है, और इसके लिए सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा
ट्विटर पर इनको बधाई भी दी गई। एक नाम यहाँ पर आपको और याद रखना है, वह है मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस ने 200 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता है, यानी कि ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत की वृद्धि दर कितनी होगी। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वह 7% रहेगी और पिछले वर्ष कितनी रही थी 6.8%। तो आर्थिक सर्वेक्षण और अभी 5 जुलाई को जो हमारा बजट आया है इस पर दो वीडियो आज आपको दिन में मिल जाएंगे, जिनमें हम लोग सेपरेट सेपरेट क्या क्या प्रश्न इन दोनों टॉपिक से बन सकते हैं उनको बारे में डिस्कस करेंगे। तो वे दोनों वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और उन्हें आपको जरूर देखना है। तो याद रखिएगा वृद्धि दर कितनी होगी 7%। अब यहाँ पर आप पूरा चार्ट देख सकते हैं, 2015-16 में 8 थी, फिर 8.2 हुई 2016-17 में, 2017-18 में 7.2, फिर 2018-19 में 6.8 रहने की रही थी और 7 रहने की उम्मीद है 2019-20 में। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत सरकार के द्वारा 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ है कि 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत की वृद्धि दर कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अगर भारत की जो ग्रोथ रेट है वह 8% होगी तो भारत 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में 2021 से लेकर के 2031 तक काम करने वाले लोगों की संख्या में प्रति वर्ष कितना इजाफा होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 से लेकर के 31 तक भारत में प्रति वर्ष काम करने वालों की संख्या में 97 लाख का इजाफा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा रिपोर्ट बताया गया है कि किस प्रकार से भारत में काम करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होगा। 2021 से 31 तक 97 लाख और उसके बाद में 2031 से 41 तक ये 42 लाख पर ईयर होगा। और भारत की जनसंख्या के बारे में कहा गया है कि ये धीरे धीरे नीचे गिर रही है और भारत अपनी जनसंख्या के पीक पर पहुंच चुका है 0 से 19 वर्ष की एज के बीच में। और वर्तमान में एक चीज़ आपको और याद रखना है कि भारत की जो औसत आयु है यह 28 वर्ष है। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कितने प्रतिशत घरों में शौचालय की सुविधा है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण कहता है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत में कुल मिलाकर के 93% घर ऐसे हैं जिनके पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ पर आप रिपोर्ट देख सकते हैं और इस रिपोर्ट में बताया गया है 93.1% लोगों के पास में ये सुविधा अब उपलब्ध है। अगला हमारा प्रश्न है कि इस बार दूसरा सबसे बड़ा जो बजट भाषण हुआ यह कितने घंटे का रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इस बार हमारी पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो बजट का भाषण रहा है वह 2 घंटे 11 मिनट का रहा और ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा बजट का भाषण रहा है। इससे पहले जसवंत सिंह के नाम पर ये रिकॉर्ड है और उनका जो बजट का भाषण था वह 2 घंटे 13 या 14 मिनट के आसपास था। तो बस 2 या 3 मिनट से ये चूक गई, वरना ये जो हमारा बजट का भाषण होता ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट भाषण होता। बजट के बारे में सेपरेट वीडियो आएगा, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इस बार में जो परंपरागत तौर पे सूटकेस में बजट लाया जाता था उसके स्थान पे बही खाते के रूप में बजट आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बही खाते के रूप में बजट आया है और 5 जुलाई 2019 को पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया। और इस वर्ष एक अंतरिम बजट भी आया था। अंतरिम बजट क्यों आया था? क्योंकि फरवरी में ये प्रस्तुत हुआ था और इसमें केवल
सरकार के अगले 3 महीने के खर्चों को शामिल किया गया था, क्योंकि चुनाव होना था और चुनाव के बाद यह निश्चित नहीं होता है कि किसकी सरकार बनेगी। तो जो सरकार कार्य कर रही होती है उसके द्वारा केवल चुनाव तक के लिए ही बजट पेश किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन डॉलर की है बजट के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बजट 2019-20 के अनुसार जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह 2.7 ट्रिलियन डॉलर की है। 2025 तक 5 ट्रिलियन का लक्ष्य है और 2032 तक 10 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बजट भाषण में निर्मला सीतारमण जी ने यह भी बताया कि भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार बात करें तो ये 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसी साल के अंत तक 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भी रखा गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में कुल बिजली उत्पादन का कितना प्रतिशत कोयले से बनाया जाता है। तो इसके बारे में जानकारी दी गई आर्थिक सर्वेक्षण में और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत में अभी भी 60% जो बिजली का उत्पादन होता है वह कोयले से ही यानी कि थर्मल पावर से किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि IMF के द्वारा पाकिस्तान को कितने अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर IMF के द्वारा पाकिस्तान की जो इस समय अर्थव्यवस्था है जो कि काफ़ी ज़्यादा खराब है उसमें सुधार के लिए 6 अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है वसूल सो फास्ट नाम का वेब पोर्टल किस बैंक के द्वारा जारी किया गया। तो वसूल सो फास्ट नाम का जो वेब पोर्टल है ये जारी किया गया है कर्नाटक बैंक के द्वारा। अब ये वेब पोर्टल मुख्य रूप से है क्या, तो जो हमारे बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियां होती हैं जिसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी कहते हैं उसको कम करने के लिए लॉन्च किया गया है, यानी कि जो लोग कर्जा ले लेते हैं उसको देते नहीं हैं उसको कम करने के लिए, यानी कि किस प्रकार से ऋण को उनसे वसूला जाए इसके लिए इसे लॉन्च किया गया है। कर्नाटक बैंक की बात करें तो स्थापना हुई थी 1924 में, मुख्यालय इसका है मंगलुरु कर्नाटक में और MD व CEO इस समय है MS महाबलेश्वर। अगला हमारा प्रश्न है कि डिजिटल साक्षरता के लिए डिजिटल उड़ान नामक प्रोग्राम किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया। तो डिजिटल उड़ान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये प्रोग्राम शुरू किया गया है रिलायंस के द्वारा और इसमें इसका साझेदार कौन होगा, वह होगी फेसबुक। तो दोनों आपको याद रखना है कि डिजिटल उड़ान जो प्रोग्राम है यह डिजिटल साक्षरता के द्वारा रिलायंस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। डिजिटल साक्षरता के लिए रिलायंस कंपनी के द्वारा फेसबुक के सहयोग से शुरू किया गया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो करंट का सेक्शन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जो लोग अब वीडियो को स्किप करना चाहते हैं वह लोग यहां से वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मूल कर्तव्य के बारे में और राष्ट्रपति से जुड़े हुए 3 अनुच्छेदों के बारे में। कल किसी ने कमेंट करके ये पूछा था कि DPSP क्या होता है, यानी कि जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं इन्हें संविधान में क्यों शामिल किया गया। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बात करेंगे वरना वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। मुख्य रूप से मूल अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं और ये अपने आप लागू होते हैं। DPSP इसीलिए शामिल किया गया है कि मान लीजिए भारत की स्थिति आगे जा करके बेहतर हो, संविधान जब बना था उस समय तो काफ़ी ख़राब स्थिति थी भारत की, तो जब बेहतर स्थितियां हो और राज्य अपने नागरिकों के लिए कोई कानून बना रहा हो या कोई विधि बना रहा हो तो उसे बनाते समय इसे वह ध्यान में रखे और ये राज्य के ऊपर बाध्यकारी नहीं होते हैं और ना ही इसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। यानी कि जो हमारे DPSP हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये केवल हमारे राज्यों को निर्देश देते हैं कि अगर आप कोई कानून बना रहे हैं तो उस कानून को बनाते समय जो भी हमारे उपबंध दिए गए हैं नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत उन्हें आपको याद रखना है, बस केवल आपको इतना समझना है। चलिए अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्य के बारे में, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या है। तो भारत के संविधान के भाग 4(1) के अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है और याद रखना है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में और उसके बाद में इसे शामिल किया गया।
स्वर्ण सिंह समिति ने इसके लिए रिकमेंडेशन दी थी और उसके बाद में 10 मूल कर्तव्य यहाँ पर जोड़े गए थे। कितने? 10 मूल कर्तव्य। बाद में हमारा एक मूल कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर के मूल कर्तव्यों की संख्या आपको याद रखनी है, ये है 11। और इसे हमने कहाँ से लिया है? रूस के संविधान से। तो एक बार जब हम बात करते हैं कि हमने किस चीज़ को कहाँ से लिया है, तो याद रखिएगा जो हमारे यहाँ पर मूल अधिकार है उसे हमने लिया था यूएसए से। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं डीपीएसपी की, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व की, तो वो हमने लिया था आयरलैंड से। और मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है? रूस से। कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन में यूएसएसआर भी मिलेगा, तो दोनों उत्तर सही है, क्योंकि 1991 के पहले रूस का ही नाम था यूएसएसआर, सोवियत संघ। मूल कर्तव्य के बारे में बस केवल आपको इतना ही याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग जान लेते हैं। भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक संघ की कार्यपालिका का जिक्र किया गया है, यानी कि जो हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव होगी केंद्र की, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब इस कार्यपालिका में कौन कौन से पद हमारे शामिल होते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और इसके अलावा महान्यायवादी। तो ये केंद्र सरकार की कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं। तो ये आपको पांचों नाम याद रखने हैं, क्योंकि कई बार ऑप्शन में डायरेक्टली इन्हें पूछ लिया जाता है। अब चलिए हम लोग राष्ट्रपति के आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रपति के आर्टिकल में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 52 के बारे में, उसके बाद में आर्टिकल 53, फिर आर्टिकल 54, और यहाँ पर केवल हम 3 आर्टिकल को ही डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, पहले 2 आपको जो याद रखने हैं। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सिंपली आपको याद रखना है, आर्टिकल 52 हमें बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद में आर्टिकल 53 है, आर्टिकल 53 बताता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ होंगी वह राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसके अंदर निहित होंगी? राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कार्यपालिका के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे या जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वह राष्ट्रपति के नाम पर ही लिए जाते हैं। और फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 54 के बारे में। तो आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। अब यहाँ पर 2 आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55, तो दोनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकल 54 बताता है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कि इस चुनाव में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जैसा कि आपको पता होगा कि आम जनता इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, इसमें हमारे संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, याद रखिएगा निर्वाचित सदस्य की बात कर रहा हूँ, मनोनीत की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति 2 लोगों को लोकसभा में और 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है, तो ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद में जो हमारी राज्य विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य, यानी कि अगर किसी राज्य की विधानसभा में जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वह सारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। उसके बाद में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो केवल इतने ही लोग होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है, और जो हमारा आर्टिकल 55 है वह राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या है उसके बारे में बताता है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी आर्टिकल में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या नीचे मेरे इंस्टाग्राम के लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।